कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आके मिले भी थे, उन लोग को समझाया भी है, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, आप लोग भी रहेंगे, हर पल पल का जो हो रहा है वो उन लोग के सामने होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी चरणों में अब मतदान का प्रक्रिया पूरा हो चुका है, ऐसे में अब इंतजार है मतगणना की। कल यानी कि 4 जून को मतगणना होना है, जिसे लेकर सभी जिलों में तैयारियां तेज हैं। वहीं सभी दल अपने अपने तरफ से जीत का दावा कर रहा है, ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को जब भाग्य का फैसला होगा तो जीत किसकी होगी। ऐसे में इस बीच आपको बता दें कि हर जिले में मतगणना को लेकर की खास तैयारी है, काउंटर पहले से बनाए गए हैं, पुलिस बल तैनात है। तो वहीं ऐसे में राजधानी पटना की बात करें तो पटना में भी विशेष तैयारियां कर ली गई हैं, कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, जहां पर ईवीएम काउंटिंग होने हैं उस पर खास ध्यान रखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि ईवीएम पर खास नज़र प्रशासन की बनी हुई है, पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा तैयारी है, सभी मतदान कर्मियों को, मतदान एजेंट्स को, सभी लोगों के लिए मतदान का पूरा प्रक्रिया, मतगणना का पूरा प्रक्रिया देखने के लिए सभी अरेंजमेंट्स किया गया है और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में काउंटिंग होगा। और जो तैयारियों का मुआयना किया है, इसमें सब कुछ मुकम्मल हो गया है? बहुत अच्छा है, अभी भी मैं पोस्टल बैलेट ये सब देखने जा रहा हूँ, मैंने ईवीएम काउंटिंग का तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। कितने बजे से मतगणना शुरू होगा? सुबह 8 बजे से हमारा पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगा, 8:30 बजे से ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगा, 7:30 बजे से हम लोग स्ट्रांग रूम खोलना शुरू करेंगे। सर, कुछ पॉलिटिकल आरोप भी लगते रहे हैं कि मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है, जिस तरह से विपक्ष कह रहा था, क्या ऐसी कोई गुंजाइश भी दिखती है? एकदम नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आके मिले भी थे, उन लोग को समझाया भी है, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, आप लोग भी रहेंगे, हर पल पल का जो हो रहा है वो उन लोग के सामने होता है। अभी देखिए सीसीटीवी का कवरेज में है, सीएपीएफ है, जो मशीन लेके आएगा उसका भी सारी हम लोगों के डिस्प्ले दिखाएंगे काउंटिंग हॉल के अंदर, वो देख सकता है, सीयू में जो रिजल्ट दिख रहा है उसको भी वो लोग देख सकता है, जो आया रिजल्ट कैंडिडेट वाइज हर टेबल पे उसको काउंटिंग एजेंट से साइन करा के उसके बाद ही हम लोग चढ़ाते हैं हम लोग के सॉफ्टवेयर में। श्रीनिवास सर, कब तक परिणाम आ जाने की? देखिए हम लोगों को आराम से काउंटिंग करना है, स्पष्ट कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए माइंड में, हम लोगों को टाइमिंग से मतलब नहीं है, स्वच्छ रूप से पारदर्शी रूप से काउंटिंग होना चाहिए और रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। एआरओ समेत कुल 15 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं वोटों की गिनती के। राइट हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 14+1 और बैलेट पेपर के लिए 16 काउंटिंग टेबल। राइट, 600 पदाधिकारियों की नियुक्ति रहेगी सर? पदाधिकारी देखिए उसमें काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग असिस्टेंट है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, एआरओ टेबल में है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बहुत बड़ा टीम लगता है। तीन स्तरीय सुरक्षा आप देख रहे हैं, देखिए इनर मोस्ट जो है वो सीएपीएफ है, उसके बाद हमारा बीसैप है, उसके बाहर में हम लोग का डीएपी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। और सर एक चीज़ ये आ रहा है कि 156 राउंड में पाटलिपुत्र, 157 राउंड में पटना साहिब की गिनती पूरी हो जाएगी। क्या बोले आपने? 156 और 157 राउंड में दोनों सीटों का। देखिए 14 जितना पोलिंग स्टेशन है डिवाइडेड बाई 14 उतना राउंड हमारा चलेगा, और कोई अगर ईवीएम में अगर रिजल्ट नहीं निकला तो उसका वीवीपैट की गिनती होगा, वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा।